लाइफ में एक बार ये मोमो तो आपके मुंह में जरूर जाना चाहिए। गाइस इन दिस केस अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। द ओनली रीजन आई बॉट दिस मोमोज इज बिकॉज इट वाज ग्रीन इन कलर। हाय गाइस व्हाट्स अप। आज ना बहुत मस्त सा चैलेंज करने वाले हम। वी आर गोना बी ईटिंग बहुत सारे यूनिक टाइप ऑफ मोमोज फॉर 25 आवर्स। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर 25 आवर्स होगा या इट्स गोइंग टू बी 48 आवर्स, क्योंकि मैंने इतने ऑप्शंस पिक करे हुए हैं कि मेरे को लगता तो है नहीं कि 24 या 25 घंटे में खत्म होगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी मोमोज की प्लेट तैयार कर लीजिए एंड लेट्स हैव सम फन। हम आप पहुँचे हैं टॉपिंग ट्विस्ट एंड यहाँ पे ना बहुत क्यूट सी एम्बियंस है। बाय द वे दिस इज एन HSR लेआउट। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मेन्यू ऑफ मोमोज आई हैव एवर सीन। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट मोमोज ऑर्डर कर दिया है, फिर वी ऑल्सो ऑर्डर्ड बारबेक्यू मोमोज एंड 30 मिनट की प्रतीक्षा के बाद हमारे मोमोज आ चुके हैं। सबसे पहले लेट्स ट्राई द बारबेक्यू मोमोज। दिस मोमोज आर बहुत अच्छी तरह कोटेड विद बारबेक्यू सॉस। लेट्स टेक सम मोमो चटनी। द बारबेक्यू सॉस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड स्पाइसी एंड द मोमो चटनी इज मस्त तीखा। मजा आ गया इसको खा के। दिस इज अ 10 on 10। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट मोमोज एंड इसमें 4 टाइप्स ऑफ चटनी आया है, मोमो चटनी, ग्रीन चटनी, मेयो। आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज। लेट्स ट्राई। इट वाज एन अमेजिंग बर्स्ट ऑफ फ्लेवर। मतलब सारी चटनियाँ विद द मोमो टेस्टेड सो गुड। दिस आई वुड 100% रेकमेंड यू ट्राई आउट। ये इतने अच्छे है गाइज। अंदर का पनीर इज सो सॉफ्ट एंड ऊपर की सॉसेस आर सो फ्लेवरफुल। लाइफ में एक बार ये मोमो तो आपके मुंह में जरूर जाना चाहिए। अभी मोमोज की बात आए और फ्रोजन मोमोज का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। सो सबसे पहले रिसेंटली आई हैड ऑर्डर्ड दिस टेस्टी फ्रेश वेजिटेबल मोमोज बट इन ग्रीन कलर। नेक्स्ट मैंने ब्लू ट्राइब के ये मोमोज ऑर्डर करे थे। दीज आर प्लांट बेस्ड चिकन दार्जिलिंग मोमोज। ये ब्लू ट्राइब की बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मैं दुकान गई थी एंड शी वॉज लाइक ये ना विराट कोहली का ब्रांड है और ले लो ले लो। बाद में पता चला इट्स ओनली बैक्ड बाय विराट कोहली। एक्चुअल में विराट कोहली का ब्रांड है नहीं ये। चलो एनीवेज इसके अंदर है मोमोज। इसका प्राइस है 320 रुपीज एंड देयर इज मोमो चटनी। हम इसको करने वाले हैं पैन फ्राई। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने। लेट्स ओपन आर टेस्टी फ्रेश के हरे मोमोज। Honestly, the only reason I bought these momos is because it was green in color. Guys, look at the quantity of momos. Frozen momos हमेशा मतलब 10-12 पीस आते हैं. This looks so much. ज़्यादा है तो एक गिरा ही दिया मैंने। One sad thing about this is इसमें मोमो चटनी नहीं मिली हमें, तो क्या मैं ये ऐसे ही खाऊं मोमोज। चलो खैर इसको हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं। आप लोग तो जानते ही हो मैंने कुछ टाइम पहले ये हैक पोस्ट करा था जिसमें मैं एग बॉयलर यूज करती हूँ एंड आई पुट मोमोज एंड स्टीम देम इनसाइड दिस। सबसे पहले हम ये हरे रंग के मोमोज ट्राई करने वाले हैं। द सेकेंड वन इज दिस एंड यू कैन सी हमने इसको थोड़ा सा पैन फ्राई करा तो क्या मस्त लग रहा है ये। बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मोमोज आई थॉट मैं आपको एक मोमोज के बारे में बता देती हूँ जो मैंने पहले ट्राई करे थे। इस चैलेंज में फिर से नहीं ट्राई करूंगी बट इट्स फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड बेबीज रेस्ट्रो कैफे एंड दे हैव समथिंग कॉल्ड एज भूत जोलकिया मोमोज एंड वो इतने तिखे होते हैं। मैंने एक इज दिस स्पाइसी इनफ फॉर मी चैलेंज के लिए करा था एंड मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए थे। सो वैसे इफ़ यू लव स्पाइसी फूड यू कैन ट्राई इट आउट, नहीं तो स्किप कर देना। द नेक्स्ट थिंग इज डोलमा आंटी के मोमोज। नहीं मैंने दिल्ली से नहीं मंगाया इसको बट आई सॉ दिस रेस्टोरेंट ऑन स्विगी। अब मेरे को एक्चुअल में तो नहीं पता वेदर दिस इज द सेम दिल्ली वाला डोलमा आंटी और नॉट बट वी विल ट्राई इट आउट। गाइस इसकी चटनी में धनिया क्यों है गाइस। तो हमने 2 ऑर्डर करे हैं। सबसे पहले इज दिस स्टीम्ड चिकन मोमोज एंड सेकंड इज स्टीम्ड वेज मोमोज। ओके आई लव चिकन मोमोज सो वी आर गोना स्टार्ट विद चिकन फर्स्ट। Oh my God, guys, the मोमो की फिलिंग इज सो जूसी एंड इतनी स्पाइसी है देख के लग रहा नहीं है। चटनी अच्छी नहीं है बट दिस इज अमेजिंग। यार स्टीम्ड मोमोज ही खाने चाहिए। पता नहीं अतरंगी अतरंगी मोमोज खा के खुशी तो हुई नहीं बिल्कुल। Here is our वेज वाला। सबसे पहले तो लुक एट दैट ह्यूज चंक ऑफ मैदा ऊपर, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है एंड फिलिंग इज वेरी वेरी लेस एंड थर्ड पॉइंट फिलिंग कच्ची है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो स्टीम चिकन मोमोज येस बट स्टीम्ड वेज मोमोज नो। भाई क्या अच्छी फिलिंग है, क्या सॉफ्ट है, इतना स्पाइसी है चिकन। अब हम आ चुके हैं फैट टाइगर। यहाँ का ना मैंने पिज्ज़ा खाया है एंड इट्स अमेजिंग। बहुत क्लासी सा एम्बियंस है यहाँ पे, परफेक्ट फॉर अ डेट। गाइस मेन्यू तो देखो, इनसेन वैरायटी ऑफ मोमोज। तो सबसे पहले हमने ये ऑर्डर करा इटालियन वेज इन रेड सॉस, फिर वी ऑर्डर्ड पिज्जा स्टाइल चिकन एंड लास्ट में वी ऑर्डर्ड समथिंग कॉल्ड एज बिग मोमोज व्हिच आर 4 पीसेस। गाइस इन दिस केस अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। आप लोग गेस करो कौन सा मोमोज है। यू हैव 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। अच्छा बताओ कौन कौन से ऑर्डर करें। 1 इज पिज्जा, 1 इज रेड सॉस पास्ता, 1 इज बिग मोमोज। पिज्जा, रेड सॉस, बिग मोमोज। This is identity theft because this is red sauce and this is pizza. Dude, इसमें चीज और चिली फ्लेक्स। एक मैंने भी यही बोला उनको, पता है? And this इसमें वो पास्ता वाले वो black yeah. नहीं बे, I think. No. बहुत लंबी conversation I had with the employees and they were like, no, okay. This is red sauce and this is pizza. Okay. Let's start with the huge ass momo पहले and it's covered with sesame seeds. I love sesame seeds by the way. The outside layer is so thick and kacha that it just doesn't taste good. It doesn't taste like a momo. It tastes like मतलब कच्चा मैदा खा जैसे आटा खा रहे हो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी वो। Let's go with the pasta वाला. Oh my god. ये पास्ता ही है। This is pasta, बहुत अच्छा अरेबियाटा सॉस का टेस्ट आ रहा है एंड मुँह में घुल गया ना। बहुत अच्छा था। हाँ। Amazing. This is like momo pasta. The name justifies the dish. Last is our cheesy pizza momos. I like the pasta one better. इसमें मेरे को I like the pizza one better. ले तू ले। 2 kinds of people guys. Hand versus spoon. सॉस का फ्लेवर इसका बेटर है। इसका? No. कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हमारे मोमोज आ चुके हैं एंड लुक एट दिस, इट्स फिल्ड विथ सो मच ऑफ ब्राउनी एंड दिस नट्स के पीसेज ऑल्सो। लुक एट हाउ गुड दैट लुक्स। द ब्राउनी एंड आइसक्रीम टेस्ट वेरी गुड बट जैसे ही वो मोमो की लेयर आती है वो मूड ऑफ सा हो जाता है। सो आई वुड रादर हैव सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम दैन दिस डेजर्ट। 5 on 10। वी गॉट द बिग मोमोज कैंसल्ड, उसके बावजूद पॉकेट ढीली हो गई यहाँ पे आके। तो हमारा अगला स्टॉप है सोशल बार एंड किचन। बाय द वे ये कोरामंगला में है। यहाँ हम ट्राई करने आए हैं इनकी मोमो चाट एंड दिस इज फॉर 250 रुपीज़। बाकी ना मैंने यहाँ के मोमोज फ्रॉम हेल भी ट्राई करे एंड दे सुपर स्पाइसी, तो इफ यू आर अ स्पाइस लवर यू हैव टू ट्राई इट आउट। सो फाइनली हमारी मोमो चाट आ चुकी है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चाइनीज चाट। इसमें देर इज मोमोज, ऊपर मोमो की चटनी है एंड देन दे हैव चाइनीज भेल। बाय द वे सोशल की चाइनीज भेल इज अमेजिंग। क्या फ्लेवर है इसका। पूरे चैलेंज में this must be the first bite of something that is not a momo. इतनी खुशी मुझे मोमो के साथ ट्राई करके देखते हैं। That is so good. This is basically momos topped with spicy chutney and an amazing Chinese meal. I think इस challenge में these momos are probably going to win because this is really good. अभी next हमने घर पे ऑर्डर करा है from 2 places. The first is mainland China. तेल। Imagine 400 रुपए के मोमोज एंड लुक एट हाउ दे हैव पैक्ड इट। मेसी तो था बट लुक हाउ क्यूट दीज मोमोज लुक। यार चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं। द नेक्स्ट प्लेस जहाँ से हमने ऑर्डर करा है इज कॉल्ड एज मैड मोमोज एंड यहाँ पे इतने वेराइटी के मोमोज है। बाय गॉड, मतलब मैंने सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर करा चिकन इटालियानो तंदूरी ड्राई मोमोज एंड द सेकेंड वन इज वेज ग्रिल्ड पेरी पेरी मोमोज। नाम ही इतने बड़े बड़े हैं। ओके, दिस इज द तंदूरी इटालियन एंड द सेकेंड वन इज आर वेज ग्रिल्ड पेरी पेरी। बाय द वे दीज आर कॉल्ड एडमामे ट्रफल डम्पलिंग। सो इसके अंदर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एडमामे भरा हुआ है, पूरे हरे रंग की मैश टाइप फिलिंग है। अंदर की फिलिंग देख के ना मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई, ऐसा हरे हरे रंग का कौन करता है, चलो कोई बात नहीं ट्राई करके देखते हैं। दिस जस्ट फील्स लाइक के बॉइल्ड आलू डाल दिया मोमोज के अंदर। पता है इसका क्या वो हुआ, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और, इतना सुंदर बट टेस्ट में इतना बेकार। वी आर गोइंग टू ट्राई मैड मोमोज एंड होप के इट मेक्स अस गो मैड इन टेस्ट। सबसे पहले तो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई नो दिस इज तंदूरी बट ये पूरा जल गया है। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी लाइक burnt या anything and when I'm taking it out also ये ऐसा पूरा नीचे से चिपक रहा है। I don't have high expectations। I know what they did. They made tandoori momos. They put olives, oregano and chili flakes to call it Italian tandoori momos. Anyways, we are going to try our peri peri grilled veg momos. Oh, I'm eating दो मोमोज एक साथ। जो मोमो के ऊपर पेरी पेरी मसाला लगा हुआ है उसके साथ जो थोड़ा सा ग्रिल फ्लेवर आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। यम। मैंने इस चैलेंज के लिए इतने मोमोज खा लिए कि आई स्वेयर टू गॉड मैं आज के बाद कभी मोमोज नहीं खाने वाली। हाँ, मेरे को सपनों में भी मोमोज आ रहे हैं, ये मोमोज वो मोमोज, पेरी पेरी मोमोज, चिकन मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, बिग मोमोज, पास्ता मोमोज, नहीं चाहिए और मोमोज। आपके कौन से मोमोज फेवरेट थे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हाट आर नेक्स्ट चैलेंज शुड बी ये भी बता देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु लव मोमोज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।